की सबसे बड़ी FMCG कंपनीज में से एक HUL अपने आइसक्रीम बिजनेस को बेचने जा रही है। इसके लिए कंपनी की ओर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक कमेटी बनाई गई है जो कि इस डील का आकलन करेगी। HUL के इस बिजनेस को खरीदने के लिए RJ Corp, MMG ग्रुप और नेस्ले ने इंटरेस्ट दिखाया है। वहीं आपको बता दें कि RJ Corp क्विक सर्विस चेन KFC और पिज्जा हट को इंडिया में ऑपरेट करती है, साथ ही पेप्सिको के बॉटलिंग का काम भी ये कंपनी संभालती है, जबकि MMG ग्रुप नॉर्थ और ईस्ट में मैकडोनल्ड्स को ऑपरेट करती है, साथ ही कोका कोला के लिए एक फ्रेंचाइजी बॉटलर भी है। इसके बाद नेस्ले है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पैकेज फूड कंपनी है, इसकी दावेदारी भी इस डील में काफी अहम है। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर के पोर्टफोलियो में क्वालिटी वॉल्स, कर्नेटो और मैग्नम जैसे ब्रांड शामिल हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के 60,000 करोड़ के टर्नओवर में आइसक्रीम बिजनेस की हिस्सेदारी करीब 3% है। ग्लोबली देखें तो HUL की पेरेंट कंपनी यूनिलीवर दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इसमें बेन एंड जेरी और मैग्नम जैसे इंटरनेशनल ब्रांड शामिल है। कंपनी का आइसक्रीम बिजनेस करीब 790 करोड़ का है, जो कि इसके कुल रेवेन्यू में 16% की हिस्सेदारी रखता है। आइसक्रीम ब्रांड को बेचने का फैसला HUL के रीस्ट्रक्चर प्लान का हिस्सा है। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि HUL का आइसक्रीम ब्रांड बेचने का फैसला इसके रीस्ट्रक्चर प्लान का हिस्सा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का कौन सा ब्रांड आपको सबसे अच्छा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए पैसा लाइव को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।